हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब लोग? सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज हम एक छोटी सी ट्रिप में आ गए हैं, हल्द्वानी से 32 किलोमीटर दूर हेड़ा खान मंदिर में। और हल्द्वानी की गर्मी से तो थोड़ी राहत है, यहाँ पे मौसम अच्छा है, पर फिर भी बारिश नहीं होने की वजह से थोड़ा उतना ठंडा नहीं है, पर फिर भी हवा ठंडी है। तो मैं तुम्हें दिखाऊंगी हेड़ा खान मंदिर और कैसा रहा हमारा ट्रिप, मैं बताती हूँ। ये हमारे साथी कुछ पहुँच चुके हैं और तन्नू हमको ड्राइव करते हुए गाड़ी बिल्कुल ऐसे लेके आई है, बताओ हद है। तो बहुत अच्छा रहा और तन्नू के साथ मजा आया। रास्ते भर हम काफी बातें करते हुए गप्पे मारते हुए पहुंच चुके हैं और कुछ हमारे धरोहर की ही हालत हो रही है और कुछ हमारे साथी और ये हैं, नए नए साथी हमारे। फ्रेंड है ये, मेरे स्कूल में जूनियर थी, वो भी जूनियर थी, ये सीनियर है, लेकिन अच्छा, हम सब फ्रेंड हैं बचपन के। बिल्कुल बिल्कुल, आज बहुत मजा साथ में आके नए दोस्तों के साथ भी मिल गए और काफी अच्छा रहा रास्ते का। और हमारे एक ब्लॉगर हैं जो साथ में हैं और वो थोड़ा सा घायल है, अभी ब्लॉग बनाते समय वो बिल्कुल चंगी हो जाएंगी तो निकलते हैं आगे की ओर। चल यार, आम की जरूरत नहीं है तनु, ये तन्नू ने ढावा बोल दिया है आम के पेड़ पे, बानर जाति करे उत्पात। हनुमान जी जहाँ होंगे तो वो फल ना तोड़े तो फिर बात ही क्या है। और आम तोड़ के मिल चुका है, ये देखिए हमारे दोस्त चढ़ाई चढ़ते हुए थकते हुए। और ये निर्मला जी बहुत आराम आराम से हवा खाते, हवा का आनंद लेते हुए, क्योंकि ये हवा फिर हमें हल्द्वानी में नहीं मिल पाएगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी। देखिए ऊपर कितना बड़ा पेड़ है और वाकई में बहुत ठंडी हवा यहाँ पे चल रही है। और ये हम मंदिर में पहुँच चुके हैं, मंदिर में पहुँच चुके हैं हम। और यहाँ पे एक छोटी सी कैंटीन सी भी है जहाँ पे हमें कुछ खाने को मैगी वगैरह मिल सकती है। देखते हैं, चाय समोसे भी दिखाई दे रहे हैं। और ये मंदिर का गेट देखिए, ओम श्री गणेशाय नमः श्री हेड़ा खान विश्व महा धाम, हेड़ा खान श्री हेड़ा खान विश्व महाधाम। तो अभी अंदर हम पहुँचेंगे तो काफ़ी अच्छा माहौल लग रहा है। काफी पहाड़ी होते हैं आखिर। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा रुक के हम लोग एक एक पैक, शाकाहारी पैक हम ले रहे हैं ताकि एनर्जी बनी रहे अंदर। और ये लोग पानी पी रहे हैं। ये देखिए हम गेट से अंदर आ चुके हैं और ये सारे यहाँ पे ऊपर रूम वगैरह हैं, रूम अवेलेबल रहते हैं यहाँ पे। और अभी हम आगे जाके पता कर रहे हैं, ये ऑफिस आ गया, यहाँ पे सारी आपको जो भी इंक्वायरी लेनी हो तो ऑफिस में ले सकते हैं। ये देखिए, और आगे को बढ़ते हुए हम और नीचे काफ़ी बड़ी नदी दिखाई दे रही है और बिल्कुल नदियों में पानी नहीं है क्योंकि बारिश नहीं है, बारिश नहीं हो रही है, गर्मियों की बारिश नहीं हुई, इस बार सर्दियों में भी बारिश नहीं हुई, तो बिल्कुल नदी हुई सूखी हुई है, बहुत बड़ी नदी है। और ये देखिए नीचे सब रूम वगैरह हैं, काफ़ी साफ नीट एंड क्लीन। ये है हेड़ा खंडी पूजा भंडार चैरिटेबल सोसाइटी।
ये हैं हेड़ा खान बाबा जी की अनेका अनेक तस्वीरें जिन्होंने यहाँ पे तपस्या की, यहाँ पर स्थापना की और यहाँ पे काफ़ी ध्यान करते थे बाबा जी। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। एक जो कहते हैं ना, आश्रम में आके एक वातावरण मिलता है, वही यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बहुत ही शांत, पीसफुल, बहुत ही अच्छा वातावरण देखने को मिल रहा है। ये देखिए, सामने मंदिर भी दिखाई दे रहा है। कृपया नदी में यहाँ से जाएं, जिसको नदी में जाना है वो ये रास्ता ले लें। और यहाँ पे मंदिर, यहाँ पे जूते चप्पल स्टैंड, बहुत ही अच्छा यहाँ आके लग रहा है। रास्ता ज़रूर थोड़ा सा बारिश नहीं होने से बड़ा रूखा सूखा रास्ता हो रहा है और रोड भी बहुत अच्छी नहीं कह सकते हैं हम, क्योंकि गांव की रोडें होती हैं बारिशों में ख़राब हो जाती हैं। तो बहुत एहतियात से आना है जिसको भी आए, बहुत गाड़ी बहुत स्लो स्पीड में चला के आए। और यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगेगा आश्रम में आके, तो आइए आप लोग। यहाँ मंदिर और ये बाबा हेड़ा खान महाराज की तस्वीर। और नीचे देखिए, यही गौला नदी है जो हल्द्वानी पहुंचती है। हल्द्वानी की गौला नदी यहाँ पे भी देखने को मिल रही है हमें। पेड़ों की छांव में बहुत अच्छी हवा आ रही है, बढ़िया, बहुत शानदार। तो हम इतनी सीढ़ियाँ उतर के सब नीचे पहुँच चुके हैं और भक्तजन भी यहाँ पे काफ़ी पहुँच रहे हैं। और अब हम नदी के पास पहुँच गए हैं। देखिए नीचे कितनी हरियाली है, कितना पीसफुल माहौल, वातावरण काफ़ी अच्छा लग रहा है। आगे को जाते हुए सभी दोस्त लोग, साथी लोग, मित्र आगे बढ़ चुके हैं और मैं भी धीरे धीरे आगे को बढ़ रही हूँ। ये देखिए कितना प्यारा, पहाड़ तो पहाड़ ही होते हैं। तो अब हम नदी के किनारे पहुंच चुके हैं। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी दिखाई दे रहा है। ये देखिए यहाँ पे सब लोग फ़ोटो खिंचवाने, फ़ोटो शूट चल रहा है। यहाँ पे सभी सभी लोगों का फोटो शूट चल रहा है। बढ़िया बढ़िया, गुड गुड। ये आपका है और ये हेड में फोटो खिंचाने के लिए हम तैयार हैं। ये किसका है? ये दीदी का है। हाँ, मैंने उसमें चाबी गड़बड़ा दी। फोटो फोन का है ये देखिए, बिल्कुल बॉलीवुड वाला सीन चल रहा है यहाँ पे। गाना भी गा लो। ये चमक ये दमक फूल वन सी महक, सब कुछ सरकार तुम्हें से। देखो दोस्तों, नदी के किनारे यहाँ पे कुटिया भी बनी हुई है, यहाँ पे नौला भी है और यहाँ पे कुछ रूम बने हुए हैं, रूम्स बने हुए हैं ये देखिए। और यहाँ पर एक छोटा सा पॉन्ड भी बना हुआ है। यहाँ अंदर नौला है, ये बांस का प्लांट है, बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये देखिए फूल कितने अच्छे, बहुत ही मज़ा आ गया। मतलब कि हल्द्वानी से आते समय तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि यहाँ आके इतना मतलब आनंद आएगा, पर वाकई में बहुत ही खूबसूरत।
मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। हवा भी ठंडी ठंडी है और साथ है मित्रों के साथ, तो आने में वैसे ही मज़ा आ जाता है। और साथ में मौसम मिल गया है, आज हमें ठंडी ठंडी हवाएं मिल गई हैं। हल्द्वानी में थोड़ा सा रोज़ गर्मी का आनंद ले रहे थे, तो आज हम ठंडी हवाओं का आनंद ले रहे हैं। तो आ जाइए, एक बना लीजिए ट्रिप हेड़ा खान की और आनंद उठा लीजिए। और ये मिर्ची का चार नींबू और ये क्या नमक? फिर ये नमक है ना? नमक, मजा आ गया, चटपटा नमक। और यहाँ पे मिर्ची का चार। अब हमारी पिकनिक शुरू हो गई है, तो फोटोज वगैरह हमने फोटोशूट तो काफी कर लिया है। अब लग गई है भूख, तन्नु ने खाना लगाना शुरू कर दिया है। गरम हो गया गाइस। हाँ, खाना कैसे खाए? बिल्कुल। हाँ, हम घर में तो पंखे के नीचे खाने की आदत। और ये आलू बने हैं, चटपटे, खीरा, चने, मिर्ची का अचार, सब कुछ मांग रहा है। आलू, भिंडी, चने और खीरा, साथ में चटपटा नमक। एक खीरे में नमक लगा के 2000 दे रखा। तो देखो दोस्तों, हमने खाना खाया पर हमने सारा देखिए जितना भी हमारा कूड़ा था हमने खाया, हमने सब इस थैली में सब रख लिया है ताकि हम इसको घर जाके डस्टबिन में डालेंगे। और सब सफाई हमने यहाँ पे कर दी है। तो इसी तरीके से आप लोग कहीं भी जाते हैं तो प्लीज़ इंजॉय करिए पर पूरी सफाई करके आइए, कोई भी कूड़ा करकट फैला के मत आइए और आनंद लीजिए और दूसरों को भी आनंद लेने दीजिए। जितना सुरक्षित रखेंगे, जितना उसके लिए करेंगे, उससे हमारे बच्चों को प्रेरणा भी मिलेगी, उनको एक सुंदर सुखद भविष्य मिलेगा। बिल्कुल। अब हम नदी की ओर जाते हुए और दिखाती हूँ। हाँ हाँ, मछली को खिला दो, जो पुराना हमारे पास रोटी है हम मछली को खिला रहे हैं। और देखिए थोड़ा सा आसमान भी अब गरज रहा है, लगता है कि बारिश होगी। ये देखिए आसमान के नज़ारे और बूंदाबांदी होनी शुरू हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल आ रही है बारिश, बिल्कुल आने वाली है, तैयारी है बारिश की। आसमान देखिए। और अब हम देखने जा रहे हैं यहाँ पर मछलियों को। अरे वाह, ये देखिए ये तन्नू ने खाना देना शुरू कर दिया मछलियों को और सारी मछलियाँ आ गई। देखिए नदी, दीदी आपका वीडियो रह जाएगा, आ जाओ जल्दी। और ये लोग आ गए हैं साफ सफाई करके वहाँ पे सब, और हाथ धोने आ गए। और यहाँ पर हम मछली को खाना खिला रहे हैं, जल्दी आइए। बेटा मैनीक्योर पेडीक्योर हो जाएगा यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। हम हल्द्वानी तिकोनिया से। हाँ जी हाँ जी, अच्छा अच्छा अच्छा, भैरव पूजा। हाँ हाँ, अरे अच्छा अच्छा, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप रहते कहाँ पे? हल्द्वानी कहाँ? अच्छा भोलानाथ गार्डन में। चलिए, हल्द्वानी में तो बहुत गर्मी है। अच्छा कुआर भी लोग, अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए तन्नु, चिन्या नौला का वो आ गया इन्विटेशन, चिन्या नौला वहाँ घेड़ा खान मंदिर। तो ये वही वो इन्हीं का हुआ। हाँ अरे सब कुछ पूछे मत। है कोई जादूगर, आगे नहीं आता गाइस। तीसरा बताओ, दूसरा बताओ, ब्लॉग में डालते हैं ना, आज कर देना ब्लॉग, हर समय ब्लॉग ही नहीं होती। वीडियो बना लो ना, वैसे वीडियो बना लो। बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और क्या। और थोड़ा सा यहाँ पे साफ
बारिश का इंतजार करते हुए हम हैं नदी में। कितना अभी 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 हम खाना खा रहे थे तो काफी गर्मी थी, मतलब पसीना आ रहा था खाना खाते वक्त, और अभी देखो क्या मौसम बन गया है। वाह वाह वाह, फूलों में बहारों में। चलो आज ब्लू है पानी 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 पानी, ग्रीन है पानी 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 पानी, और दिल भी दिन भी सानी 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 आ जाऊं। धूप आ गई, बारिश का मौसम भी है, अभी मिलेगी मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाएंगे तो डर जाएगी, बाहर निकालेंगे तो मर जाएगी। बचपन की पोएम याद आ रही है, डोले मेरा मन डोले, मेरे दिल का हुआ करार रे, अब कौन बजाए बांसुरिया। अरे नन्नू, थैंक यू। फाइनली बारिश शुरू हो चुकी है और हम नदी के किनारे पर ही हैं, और मिट्टी की क्या कहते हैं उसको, सौधी सी खुशबू आने लग गई है, और बहुत ही आनंद आ गया है। बाबा जी आपकी कृपा यूं ही सदा बरसती रहे सब पे, और जैसे आनंद हमको मिला है ऐसे आनंद सबको दें। दोस्ती जिंदाबाद। तन्नू थैंक यू सो मच यहाँ तक पहुँचाने के लिए, और बाबा जी का तो थैंक यू है ही हर समय कि उनका आशीर्वाद, और बहुत ही अच्छा मौसम देखने को मिल रहा है यहाँ पे, तो अब हम छुपने जा रहे हैं।